यूपी के सिद्धार्थनगर के ऐतिहासिक स्थल भारत भारी में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व डुमरियागंज के विधायक रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने स्वच्छता अभियान के तहत मेले परिसर में झाड़ू लगाया। वहीं इस मौके पर उनके साथ तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं विधायक ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के मेले के बाद यहाँ पर काफी गंदगी फैली थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर झाड़ू लगाकर शुरुआत की है। यह तब तक चलेगा जब तक मेला परिसर की सफाई ना हो जाए। उन्होंने कहा, मोदी जी योगी के स्वच्छता अभियान में हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है उनके इस अभियान को आगे बढ़ाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी योगी जी के विकास को लेकर। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाकी खास रिपोर्ट। नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में जो चुनाव नगर निकाय के हो रहे हैं, जो इस बार सीटें आने जा रही हैं, ऐसी सीट कभी नहीं आई होगी। चूंकि एक विश्वास जनता में दिख रहा है पूज्य योगी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कि योगी जी ने जो 7-8 महीने में अपनी धमक दिखाई है, विकास का एक खाका तैयार किया है जो जनता के बीच में आ रहा है, तो इससे लग रहा है। और विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत लोगों के अंदर विश्वास जगा है, और हम समझते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसके पहले कभी इतनी मेला संपन्न होने के उपरांत जो कूड़ा कचरा और गंदगी थी, एक स्वच्छता महाअभियान के तहत आज हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ किया। आज से लगातार ये हफ्तों तक चलेगा, जब तक मेले का पूरा प्रांगण और सरोवर की सफाई किनारे किनारे नहीं हो जाएगी। चूँकि माननीय मोदी जी और पूज्य योगी जी का जो अभियान स्वच्छता का है, वो हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी संगठन की जो मंशा है उसके अनुरूप किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, और वास्तविक रूप से आज सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई।